मेरे हाथ। लवी कब केक खागी मम्मी? दिखा है वो तो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इतने 2 इयर्स के बाद तो लवी आया है हमारे साथ दिल्ली। और मीठी अब फाइनली स्टडी के लिए एक साल बाद मीठी को 1 साल हुआ है, लेकिन लवी तो पूरे 2 साल बाद दिल्ली आया है। क्योंकि मैं पिछली और आज है संडे, तो आज पिकनिक टाइम, बच्चों का सामान एंड पार्क में आए हैं इनको घुमाने के लिए। और लवी तो भागता जा रहा है डैडी के साथ। वो भग गए। मेरा भी वेट नहीं कर रहा कोई भी। और चलो आज बच्चों की मस्ती का दिन, तो अभी मस्ती करने वाले हैं बच्चे सारे। यहाँ पे पत्थरों से डेकोरेट कर दिया है, ये इतना अच्छा रास्ता। हम दूसरे रास्ते से आए हैं आज। और बच्चे आगे की साइड बीच में ग्राउंड में भाग कर जा चुके हैं। फ्लावर्स लगाए हुए होते हैं। और आगे से समर में आने वाले टाइम में ना यार बिल्कुल सूख जाता है। अभी है ये सारी चीज़ें। और बच्चे उधर लवी भागा है ये सामान के लिए। चल आराम से चलो। बड़ी जल्दी भागते हुए आए, मुझे भी छोड़ भाग आए। लवी को तो ये चाहिए था मेन। खेल लो चलो। क्यूट रैबिट, वो खिला दिया। खा लेते हैं ये, खिला दे लवी थोड़ा सा। ओ पूरा नहीं, तोड़ के खिलाओ। झूठा नहीं, दूर रख दो, छोटे 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 पीसेस। मीठू हाथ लगाना है, लगा ऐसे ऐसे। मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी। नेम रखा है इनका कुछ? क्या क्या है इसका नाम? है चुन्नू मुन्नू। कब लिए थे ये? कल। अच्छा लिखा। कोई नहीं, अभी नहीं खाना है। ऐसे कैसे चिपके बैठे हैं ये? हाँ दोनों जोड़े हैं ना, 1 साल तक रहे ना ये। अच्छा मीठी खुश। ओ मीठू मुझे तो डर लगता है। मम्मी डर का क्या है? मुझे गिली गिली चीजों से ना डर लगता है, मुझसे हाथ लगाया नहीं जाता। मम्मी आपको तो डॉगी से भी डर लगता है। गिली गिली लगते हैं बड़े अजीब से। सोने लालच पूरी बुलाया है, मीठी और लवी का था ये। मैंने एडजस्ट कर लिया लवी मीठी को। मीठी देख मम्मी खा रही तुम्हारा कपकेक। ललचा गई मैं थोड़ा। मीठी लवी कपकेक खागी मम्मी? दिखा है। अब तीनों का गेम हो गया स्टार्ट। यहाँ पे रैबिट भी घूम रहे हैं, उनके साथ थोड़ी देर खेल लिए, देख लिया। अब हम रैकेट अपने घर पे भूल आए हैं, और लवी एक छोटी सी हैवी बॉल लेकर आया था, तो उसी के साथ तीनों मिलकर गेम खेल रहे हैं। और मैं तो बैठी हूँ आराम से वीडियो बना रही हूँ। Thank you.
खेलते खेलते बच्चों की बॉल वहाँ जहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स और डेकोरेशन वाले फ्लावर्स थे वहाँ पर गुम हो गई है। तीनों डैडी बेटा बेटी लगे पड़े हैं और उन्हें मिल नहीं रही है अभी। पता नहीं मिली है कि नहीं, शायद मिल गई। उछालते ला रहे हैं डैडी, मिल गई, गुम हो गई थी बॉल। हाँ। फिर किसे मिली? ऊपर से सफेद बॉल थी और सफेद ही फ्लावर्स थे और उन्हीं में ही थी, खो गई। किसे मिली? किसकी निगाह सबसे तेज थी? डैडी को मिली। चल तो जा खेल ले, देख बुला रहे। हमारे घर के पास काफ़ी बड़े बड़े दो पार्क हैं, तो जो हमारे घर के ज़्यादा पास है दादावाड़ी जैन मंदिर वाला, आज आए हैं वहाँ। बच्चे दोनों लगे पड़े हैं डैडी के साथ खूब मज़े करने में। लवी हो रहा मीठी, मीठी क्या हुआ बेटे, आप क्यों हो गई? कुछ नहीं, थक गए क्या इतनी जल्दी? थक गए इतनी जल्दी? और तो मेरे थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, मौसम चेंज हो गया, रात बारिश पड़ी थी तो आज थोड़ा मौसम। मम्मी मैं लेट रहा थोड़ी देर। कहाँ लेटेगी? मैं मैट नहीं लेकर आई। बच्चे तो बच्चे, मम्मी भी ऐसी है, कर क्या रही हो सोनी? घर ऐसे बनता है? गड्ढा खोद रहे मिट्टी में। ये वाला हाउस बनाया है हमने तीनों ने मिलकर। ये अंदर ऐसे, नीचे भी लीफ, चारों तरफ ऐसे ऐसे, यहाँ पे रोड। और ये है लवी की फेवरेट जगह, चल 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 मेटी, शाबाश। वाह मेटी तो जंप हो गया। सोनी कुछ नहीं बनी भाई बात, मेटी कमजोर है। मैं भारी भी तो हूं, सुना दूंगी मेरे डैडी को। मेरे हाथ फूल लग रहे हैं, फूल सुना, फूल सुना दूंगी। बच्चों की खूब मस्ती हो गई है, खूब झूले झूल चुके हैं और अब चलने की बारी घर की, क्योंकि अब घर जाके अपना शाम का खाना, कल मंडे है, कल की तैयारी, बच्चों की क्लास, हमारा ऑफिस। तभी तो जल्दी बैठो, रेत होती है। चल रहे हैं घर, घर चल रहे हैं। मैं बाइक चलाऊंगा। आज तो लवी बड़ा सा हो गया। पार्क से आने के बाद मैंने बनाई ये वाला खाना, आज हमारे डिनर में है ये टेस्टी लाजवाब खाना, मटर मशरूम की सब्जी, हरी चटनी और रोटी। और पूरी रेसिपी मेरी देखनी है तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने कटे हुए मशरूम को ना ऑयल में सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया है, और यहाँ तड़के में तेज पत्ता, इलायची और जीरा और प्याज। प्यूरी में मैंने तीन लहसुन की कलियां, तीन टमाटर, तीन लौंग और चार काली मिर्ची डालकर इसको पीस लिया है। अब इस प्यूरी के अंदर ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा एक चुटकी हींग और लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। और अब ये प्याज जब भुन जाएंगी तब इसके बाद मैं ये एक साथ डालकर इसको अच्छे से इस मसाले को इसे भून लूँगी। और ये देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दी है,
अब इस मसाले में से अच्छे से ऑयल जब तक ना निकले तब तक इस प्यूरी को अच्छे से पकाना है। मसाला भुनकर अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ मटर। मटर ऐड करने के बाद अब इसमें डाल दिए हैं जो फ्राई करे थे मशरूम, और उसके बाद नमक। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी। और बस इस सब्जी में एक सीटी लगाने के बाद गैस को बंद कर देना है। थोड़ी सी देर मलाई डालकर इसको थोड़ा सा हल्का सा उबल जाएगा। उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और अब ये सब्जी हरा धनिया डालने के बाद बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आई होप आपको छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।